बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों कलाकारों ने इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। आज वो दोनों इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने दौलत और शोहरत दोनों कमा ली है, लेकिन इस बीच हाल ही में कहा जा रहा है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका हिस्सा वो नहीं बन सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही कलाकार इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इस कदर बेकरार हैं कि उन्होंने हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया है। बता दें कि इस बात का खुलासा खुद करण जौहर ने किया है, जिस बारे में सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं। आज हम ये पूरा मामला आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN Bollywood को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। करण ने हाल ही में बात करते हुए बताया कि व्हाट्सएप पर उनका एक स्पेशल ग्रुप है ए लिस्ट, जिसमें उनके कुछ दोस्त जैसे अयान मुखर्जी और अभिषेक वर्मा शामिल है। फिल्म निर्माता ने बताया कि वे सभी इस ग्रुप में नए ट्रेलरों और फिल्मों पर चर्चा करते हैं, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया कई बार डराने वाली होती है। करण बताते हैं कि ये ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स कुछ भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वहीं आगे बात करते हुए करण ने कहा कि रणबीर और आलिया ने इस ग्रुप में आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अयान ने साफ तौर से कहा कि कोई फिल्म स्टार नहीं होगा। उनकी फिल्मों के बारे में हमारी राय हो सकती है जो हम नहीं चाहते कि उन्हें पता चले। बता दें कि करण ने इसके अलावा खुद की सेक्सुअलिटी पर सवाल किए जाने पर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उनके लिए क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि पोस्ट पर भी जहाँ नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलता है वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो उन्हीं कमेंट्स को तवज्जो देते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रोलर से निपटने के लिए भी वो यही तरीका अपनाते हैं। उनका ये बयान इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं करण के मुंह से आलिया और रणबीर से जुड़ी ये बात सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।